आए हैं चाप की छाप पर अलीगढ़ में रामघाट रोड पर, और यहाँ पर आपको चाप की बहुत सारी वैरायटी मिल जाती है और यहाँ अमूल बटर और अमूल की फ्रेश क्रीम ही यूज़ होती है। तो चलिए करते हैं इनके ओनर से बात और देखते हैं यहाँ पर क्या क्या मिल जाता है यहाँ पर चाप। तो भैया आइटम और बताओ अपने आप क्या क्या लगाते हो। तवा चाप मसाला है, तवा चाप बटर मसाला है, पनीर टिक्का मसाला है, और ड्राई में मलाई मसाला, लेवन, गार्लिक, अजाली, आपरानी, यही आइटम है चाप में। और पनीर में पनीर टिक्का मसाला, पनीर बटर मसाला, अफानी रोल है, मसाला रोल है, अचारी रोल है, पनीर टिक्का रोल है। अच्छा, रोल ही बनाते हो। तो रोल के जो प्राइस है वो क्या क्या है? 80 रुपये कोई सा भी। हाँ कोई सा। तो भैया वो जो आपकी सबसे बड़ी, एक तो आप हमें पनीर टिक्का लगवाओ, ठीक है, ग्रेवी वाला अपना जो पनीर टिक्का, ये रोटी के साथ खाया जाता है, ऐसे भी खाया जा सकता है, नहीं तो आप हमें ड्राई पनीर टिक्का लगवाओ और एक हमें आप रोल बनवाओ, ठीक है ना। ये क्या बना रहे हो तुम? अच्छा ये मलाई चाप बना रहे हो, तो देख सकते हैं हमारी मलाई चाप तैयार हो रही है यहाँ पर। तो ये देख सकते हैं मलाई चाप भैया तैयार। भैया कौन सा मसाला डाला तुमने? चाट मसाला। और क्या क्या डालते हो इसमें? चाट मसाला, प्याज, बटर और क्रीम। अच्छा अमूल की फ्रेश क्रीम डालते हो उसमें, वेरी गुड। बटर डाल दिया, बटर भी तो डालते हो, दल गया बटर। ये देख सकते हैं आप ही भैया क्या मलाई चाप भी बहुत अच्छी क्वालिटी की मिलती है और बहुत बढ़िया। मैं आपको इसकी प्राइस लिस्ट भी दिखा दूंगा, इनके इतने सारे आइटम हैं इनके यहाँ पर कि उनके प्राइसेस दिखाना भी बड़ा, मतलब ध्यान रखना भी बड़ा मुश्किल काम है। तो ये देख सकते हैं आप ये भैया का। अच्छा गर्म भी करते हो साथ में, वेरी गुड। आपने पैक कराए, ये क्या क्या पैक कराए आपने? मैंने भैया पनीर टिक्का कराया है और एक मिलाई चाप कराई। तो कैसे लगते हैं आपको इनके आगे आइटम? मैं टेस्टी लगते हैं। कितने दिन से आ रहे हो? मैं 3 साल से आ रहा हूँ। 3 साल से आ रहे हो, बढ़िया लगते हैं। हाँ बढ़िया। प्राइस वगैरह ठीक है इनके? हाँ प्राइस वगैरह भी बढ़िया है। बढ़िया है, बिल्कुल। हमारी रोटी, ये रोटियाँ हैं क्या? रुमाली रोटी है ये। अच्छा रुमाली रोटी, ये कितने रुपये की है? 7 रुपये की। 7 रुपये की रुमाली रोटी, जरा इधर करके दिखाएँ आप इसे इधर, वेरी गुड। तो ये रुमाली रोटी है भैया के, 7 रुपये की। गर्म करके देते होगे? हाँ जी। वेरी गुड। तो ये साथ में आपको चटनी भी मिलेगी यहाँ पर, और भैया ने बहुत अच्छा सेटअप बना रखा है, ये देख सकते हैं आप। हमारा पनीर टिक्का आ चुका है, हाफ प्लेट हमें लगवाया है। तो भैया कौन सा वाला पनीर टिक्का लगाओगे आप हमारा? ये वाला। नहीं नहीं, कौन सा वाला लगाओगे? मसाले वाला। तो स्पाइसी तो नहीं होता ज़्यादा? ये नॉर्मल पनीर टिक्का। क्या बना रहे हो? पनीर टिक्का। कौन सा वाला? मसाले वाला। मसाला पनीर टिक्का तैयार हो रहा है यहाँ पर, देख सकते हैं आप। भैया नाम बता दो अपना। सोनू कुमार। सोनू नाम है भैया। भैया किसी को यहाँ पे आना हो तो वो कैसे आएगा? अलीगढ़ रामघाट रोड, लेडी फातिमा। लेडी फातिमा स्कूल के पास जी। कितने भैया ये किस चीज़ की ग्रेवी इसमें डल रहा है? ड्राई है, ग्रेवी में नहीं डल रहा, बटर डलेगा इसमें। बटर डलेगा जी। चाट मसाला, पीली मिर्च, हरी चटनी, प्याज जी, पनीर टिक्का हो गया था यार जी सर, गर्म होगा जी सर। ये देख सकते हैं आप, ये मेन्यू है जिसे आप देख सकते हैं और इसको अच्छी तरीके से देख लो आप, क्योंकि रेट मुझे समझ में नहीं आया था कुछ। ये देख सकते हैं आप रेट है इनके। तो ये हमारा पनीर टिक्का बन के आ चुका है दोस्तों, और इसकी कीमत है 100 रुपये, और देखने में काफ़ी डिलीशियस लग रहा है, और इसको टेस्ट करके बताएंगे आप कैसा लगता है। तो जैसा कि आप देख सकते हैं ये हमारा है पनीर टिक्का, इसकी कीमत है 100 रुपये, और ये है रोल, ये है अफगानी रोल, यानी इसमें चाप लगी हुई है, अफगानी चाप लगी हुई है रोल के अंदर। तो चलिए करते हैं इन दोनों को थोड़ा थोड़ा सा ट्राई और फिर बताते हैं आपको कैसे लगता है खाने में। तो भाई लुक, तो देख सकते हैं आप ये अफगानी रोल, इसको करके देखते हैं ट्राई। मैं पहली बार खा रहा हूँ इसको, चटनी और सलाद भी आ चुकी है साथ में हमारी, तो इसको करते हैं ट्राई। ये देख सकते हैं इसके अंदर चाप वगैरह पड़ी हुई है, इसको देखते हैं।
इसमें क्रीम वगैरह की ना अमूल की क्रीम पड़ी हुई है, मक्खन की फ्लेवर बड़े अच्छे आ रहे हैं, तो मसाले भी काफ़ी लाइट है। अगर आपको खाना हो तो आप इनको देख लेना, चाप की छाप। इनकी जो चाप की क्वालिटी है ना वो भी ठीक है। मना लोग क्या करते हैं कि मोस्टली मैदा की चाप लगाते हैं, इनकी चाप की क्वालिटी भी ठीक ठाक है, देख सकते हैं आप। लेयर अलग अलग चमक रही है क्योंकि तो चाप पे पहले ही बहुत ज़्यादा बवाल हो चुका है, इसलिए आपको दिखा देता हूँ मैं। और ये इनका पनीर टिक्का, तो लेट्स ट्राई पनीर टिक्का, देखते हैं कितने रंग का लेके आता है, बड़ा हो जाएगा। गरम है, बहुत दिन से अच्छा पनीर टिक्का खाने का मन कर रहा था, तो ये पनीर टिक्का हमको खाने को मिल चुका है, बढ़िया। और देखें कितना अच्छा लग रहा है देखने में, बढ़िया।